ले लखनऊ स्टाइल में ही हमने दालों को भिगो के रखा था, पानी निकाल लिया है, अब हम इसको पीस लें। ये हमने दाल को भिगो दिया था, पीस लिया है। एक कप मूंग दाल है और आधा कप उड़द दाल है। ये हम हथेली से इसको दाल को मैश करेंगे, अच्छे से मैश करें ताकि इसमें हवा भर जाए और हमारा बल्ला बहुत अच्छे से हो। करीब 5 से 7 मिनट इसको करिए। हम नमक मिलाएंगे, पहले नमक इसलिए नहीं मिलाया ताकि पानी नहीं छूट दे। अब हम इसको ऐसे ऐसे मिलाएंगे। मसाला है धनिया, सौंफ, जीरा, हींग, थोड़ी काली मिर्ची और थोड़े से बादाम। इन सबको रोस्ट कर लेंगे और थोड़ा नमक डाल देंगे। इनको पीस के अलग रख लेंगे। हमने इसके अंदर हींग, जीरा और लाल मिर्ची का तड़का लगाएंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। पानी डाल के इसको हम अपने दही भल्लों के लिए पानी तैयार करेंगे। लाल मिर्ची डालेंगे पहले हम। पानी डालेंगे, चलिए 2 बार आने देते हैं, फिर फ्रिज का सील पानी मिला लेंगे इसे, ताकि हमारे दही भल्ले सीधे फ्राई करके हम उसके अंदर डाल दें। बस ये ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर गुठली नहीं बने। पानी गर्म होने पे क्या होता है कि ज़्यादा पानी नहीं आया या गर्म होने पे गुठली बन जाती है, गांठ नहीं बने। इसमें हमने हरी मिर्ची, थोड़ा सा क्रश कर दिया अदरक और ये किशमिश डाल दी है ताकि ये अंदर टेक्सचर अच्छा आ जाए हमारे दही भल्लों का। ये हमारा तेल मकटू डाल देते हैं। एक मसाला ठंडा हो गया है, इसको पीस लेते हैं। फिर इसका चिल्ड पानी डालेंगे, आधा कर दें पीसने के लिए डाल। और देखिए हमारा पानी बॉईल गया है, गैस को बंद कर दें। पानी को ठंडे पानी में मिला लें। ना ठंडा है ना गर्म है, बिल्कुल परफेक्ट है हमारे दही भल्लों के लिए। चलिए सीक्रेट मसाला पीस के तैयार है। कोई बताता नहीं है, मैं ये सीक्रेट आपको बता रही हूँ, बताइएगा मत किसी को। चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। सरे सारे डाल लेंगे हम अपने। चलिए सही से डालने थे हमें, हमें इसका हवा नहीं निकालनी है। अगर हवा निकल गई तो फिर ये बिल्कुल फूलेंगे नहीं। देखिए फूल रहे हैं अच्छे से। थोड़ा गैस को सिम से तेज़ कर लीजिए। टेक्सचर बहुत अच्छे से सिक गए हैं। हम इसको निकाल के पानी में डालेंगे। चलिए ठंडा होने देते हैं, फिर इसको निकाल के हम फ्रीज में रख देंगे। जब तक के लिए हम दही को फेंट लेते हैं। उसमें दही में चीनी, हल्का सा नमक मिला के उसको एक साइड कर लेते हैं कि हमने प्लेट में रखे हैं, अभी हम फ्रीज में रखने जा रहे हैं। तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच